जी रोहित, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो तुमसे गुड न्यूज शेयर करनी है। कैन यू कम? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो आप अंदर आ जाइए ना। नहीं, वैसे भी तुम्हारी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, आप गार्डन में वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय रोहित। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पिता, पता है तुम्हें हमारे मुंबई के एग्जीबिशन में तुम्हारे डिजाइन्स के चर्चे हैं। हर घंटे हमारे पास ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। रियली? डिजाइन्स उन्हें पसंद आई है? पसंद, बहुत पसंद। इनफैक्ट मैंने सुबह तुम्हें इसीलिए फोन किया था पर उस वक्त बात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा तुमसे पर्सनली मिल के तुम्हें ये गुड न्यूज दे दूँ। थैंक यू सो मच रोहित, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब हमारी कंपनी में तुम्हारा अपना अलग ब्रांड होगा। What? That's like a dream come true, रोहित। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। वो अवनी का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बैठो। मैं ठीक हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल। और वैसे भी मेरी प्यारी भाभी, अगर आप सारा काम खुद ही करने लगोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब लगे हुए हैं काम पे। अवनी भी आप ही के काम के लिए गई हुई है बाहर। अरे आ गई अवनी। माँ आप कितनी लकी हो, अंजलि माँ ने आपकी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। इतना अच्छा परिवार है मेरा, भगवान ना करे किसी की भी नजर लगे इसे। एग्जैक्टली, एक आप ही तो सारे परिवार को जोड़कर रखते हो और आपको किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और आपको जो नजर लगी है ना, उसका इलाज भी है मेरे पास। काला धागा। देवस्य चरण हरण, वक्र दृष्टि निवारण, सर्व संकट हरण, नमो हरे नमो हरे। ओम शुभम भवतु शुभम भवतु। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आपने जो वेडिंग कार्ड की डिजाइन फाइनल हुई है वो मैं तुम्हें दिखा दूं? 2 मिनट लगेंगे, फिर खाना खा लेंगे। ओके। ये मंत्र कुछ अलग से, कुछ जाने जाने से लग रहे हैं। ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ सुना है? देवस्य चरण हरण, वक्र दृष्टि निवारण, सर्व संकट हरण, नमो हरे नमो हरे। ओम शुभम भवतु शुभम भवतु। ये तो उमद गाँव के मंदिर के मंत्र हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, समझे तुम? कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? तू क्या जानती है? क्या जानती हो मत गाँव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? तू जानती है वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे अनर्थ हुआ था, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था वहाँ पे। अपनी अनर्थ हुआ था। क्या अनर्थ? कोई हादसा हुआ था? बोलिए। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी बच्ची की शादी होने जा रही है भावना। माँ क्या हुआ था? माँ बताइए ना क्या हुआ था, प्लीज। बस कर अपनी, तू जानती है ना कितनी दूर है वो जगह। तो इस तरह से ये काला धागा लेने के लिए चली गई माँ, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। खबरदार जो ऐसा किया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और अपनी माँ के लिए कुछ करने का दिल किया तो मैंने कर। बस कर। इतना लाड मत कर। भावना बेटा कहीं जा रही हो? थोड़ा रुक जाती है, वो राज और अंजलि जी आने वाले हैं। भाऊजी मेरा जाना जरूरी है, मुझे वो जमीन के पेपर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और वैसे भी आप लोग तो है ना, आप तो सब संभाल ही लेंगे। माँ, माँ आपने दवाई ली? जाहिर है नहीं ली। देखो बेटा, दवा वक्त पर लेना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। शादी के दिनों में वैसे दिमाग पर तनाव बढ़ जाता है। बाबूजी मेरा तनाव अपने आप कम हो जाएगा अगर कोई मुझसे पूछ या कम से कम मुझे बता के कहीं जाए। वाह, चलिए ना, मैं आपको दवाई दे देती, मैं अपने आप ले लूंगी। हेलो, मैं संगीता बोल रही हूँ। बस मैं निकल रही हूँ, आपसे मार्केट में मिलूंगी। ओके बाय। माँ, माँ आपके अपसेट होने की जो भी वजह है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं राज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक शादी के जोड़े का सवाल है, तुम सब मिलके डिसाइड कर लो ना। मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलती हूँ। किशनपोल बाजार ले चलो। जी मैडम, जरूर। आप? वो ड्राइवर को सामरिक काम से बाहर जाना था, तो मैंने सोचा मैं ही आपका ड्राइवर बन जाता हूँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं भाई? आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपको मार्केट भी नहीं ले जा सकता। ये बात नहीं है, मैं ड्राइवर की वेट कर लूँगी, ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे। और आपको 50 काम भी तो है, अभी शादी कितनी तैयार है। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए अभी और कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूँ। ये तो तय है कि मैं आपको मार्केट ले जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटा सा काम मेरे लिए कर सकते हैं। क्या? आप मेरे साथ आगे बैठ सकते हैं? आइए। भावना, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप क्या करेंगे वहाँ जाके? मैं तो मसाले की दुकान पे जा रही हूँ, कच्ची हल्दी और कच्चा चंदन लेने जाना है ना। मुझे दुकान भी मालूम है, फटाफट लेके आती हूँ। आप यहीं पे इंतजार कीजिए मेरा। आप ठीक है मामा? इसलिए तो आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूँ। चलिए। संगीता, संगीता, भावना, क्या हुआ? आई चली। सुनिए, वो सामने ना मिठाई की दुकान है, यहाँ की मिठाई ना आभास और अपनी को बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि जब तक मैं मसाले लेके आ रही हूँ आप उनकी वो मिठाई ले लीजिए, टाइम बचेगा। ठीक। अरे आराम से। I'm very sorry, मेरी वजह से आपको इतनी दूर आना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, काम ही कुछ ऐसा था। ये कुछ जमीन के पेपर्स हैं जो मेरे नाम हुई है। किस्मत का मजाक तो देखिए, उस गांव की सबसे बदनाम लड़की जिसकी वहां पे छत भी नहीं हो सकती, उसके नाम ये जमीन हुई है, लेकिन मैं इस जमीन के लायक नहीं हूं, इसलिए मैंने ये जमीन आपके पति के नाम कर दी है। पता नहीं वो जमीन स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैं इसे नहीं रख सकी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा आधा अधूरा अधिकार। जानती हैं, किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मैं जितना अपनी की शादी को, उमद का और मेरे राज, मेरे अतीत से दूर रखना चाहती हूँ, उतना ही वो किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत मेरी बेटी की इस शादी को बर्बाद कर दे। भगवान करे उमद का और टेकरी का राज हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, दफन हो जाए। हाँ संगीता, पर मैंने गांव में किसी से सुना है कि इसका एक राजदार विक्रम राजस्थान लौट रहा है, बहुत सालों से कहीं बाहर था, अब वापस आ रहा है। विक्रम? हाँ संगीता, बस इतनी दुआ करो कि तुम दोनों का कहीं आमना सामना ना हो। अतीत में जो हुआ उसकी वजह से विक्रम तुमसे बेहद नफरत करता है, उसने तुम्हें कहीं देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चाहिए, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। चाहिए अरे हल्दी का दुकानदार से हल्दी में बहुत सारा तेल गिर गया था, तो मैंने उसे बोला मैं फोन पे ऑर्डर कर दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आना खराब ही रहा है। हाँ, आपने मिठाई तो ले ली ना। अरे क्या हुआ अंजलि जी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? भावना, ये मेरा दूसरा चक्कर है बैग्स उठा कर। अवनी के लिए कुछ जोड़े मंगाए थे लेकिन उसे पसंद ही नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनली जाके उसके लिए कुछ जोड़े ले लेती हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये ओके है, इसकी फिट ठीक नहीं है, इसका कलर सही नहीं है, उसने सारे जोड़े रिजेक्ट कर दिए। गॉड ओनली नोज व्हाट शी वांट्स। मैं उससे बात करूंगी, पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। इट्स ओके भावना, आई थिंक उसे कुछ स्पेशल चाहिए होगा, लेकिन मैं अब ये सब नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। राज, मेरी ओर से प्लीज अंजलि जी से माफी मांग लेना, पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। माँ, अवनी कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या पहनेगी। आपके हाथ में बांधूं? आइए मेरे साथ। थैंक यू माँ। अवनी की खुशी के लिए जो मैं चाहता था वो आपने किया। आज भगवान के सामने मैं आपसे एक वादा करता हूं, अवनी की खुशी के लिए आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग लेंगी तो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगी। मैं आपको वचन देता हूँ अर्पिता, तुम प्रैक्टिस करो, मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। ठीक है। हेलो, देखा मैडम, अकेले आसमान में उड़ने की कोशिश करोगी ना तो यही होगा, मुंह के बल गिरोगी। संभल जाओ। भैया, यहाँ पे जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी वो कहाँ है? वो मूर्ति तो अभी अभी बिक गई। बिक गई? आप और कोई मूर्ति ले लीजिए। नहीं भैया, दूसरी नहीं, मुझे वही वाली चाहिए थी। वो दरअसल मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसे ये तोहफा देना चाहती थी। ऐसी तो मूर्ति नहीं है, आप कोई दूसरी देख लीजिए। मैडम जी, लीजिए आपकी राधा कृष्ण की मूर्ति। वो जिन साहब ने खरीदी थी ना, मैंने उन्हें बताया कि एक माँ को अपनी बेटी को शादी का तोहफा देना है तो उन्होंने लौटा दिया। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, ये लीजिए आपके पैसे। अच्छा, आप बता सकते हैं ये मूर्ति किन साहब ने ली थी? वो रहे, वो गाड़ी की तरफ से जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, विक्रम, सुनिए, विक्रम। संगीता, तुम प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाइए। क्यों, क्या हुआ? सामना नहीं कर सकती मेरा, और सामना करोगी भी कैसे जिसने मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला हो। उसके पास हिम्मत कैसे होगी कि वो मुझसे आंख से आंख मिला सके। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हमेशा सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक क्यों होता रहे संगीता? वहां उमद का हूं मैं, तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे गांव की गुनहगार तुम हो संगीता, तुम हो। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाऊं मैं? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि मैं शांत रहूं? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते तो प्लीज चुप हो जाइए। ओ, तो लोगों से डरती हो तुम? वहां उस रात उमद गांव में सबके दिल में है कभी न भरने वाले जख्म दे दिए तुमने, और यहाँ जरा सी लोगों की नजर चुभी घबरा गई तुम। उस रात मैंने भी बहुत कुछ खोया, अपना गांव, अपना परिवार, सब खत्म हो गया मेरा। मुश्किल से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। दूर ही तो चला गया था संगीता, और अगर मुझे पता होता कि फिर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती मुझे तो कभी लौट के नहीं आता। प्लीज। उस काली रात को बरसों से बुलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आज तुम्हें देखकर वो सारी यादें ताजा हो गई हैं। इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा हूं मैं कि आज तुम मुझे मिली ही क्यों, और जी तो ये कर रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे जो ये शराफत का मुखौटा है मैं उतार दूं सबके सामने। आज तो मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने दिल की गहराई से नफरत करता हूं तुमसे। आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत भी मत करना, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा, और फिर तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम जैसी स्वार्थी और बेरहम औरत के साथ होना चाहिए। सुबह उठकर अवनी को आई लव यू बोलूंगा मैं, अवनी को रोज एक रेड रोज दूंगा, मैं सोने से पहले भी उसे आई लव यू बोलूंगा। गॉड, कितना स्टूपिड लग रहा हूं ये सब बोलते हुए। अगर संगीत में ऐसा बोलूंगा तो मैं जोकर बन जाऊंगा। मैं अवनी को रोज ड्राइव पे ले जाऊंगा, उसे कुल्फी खिलाऊंगा। अरे यार, हाँ मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि ये छोटी छोटी बातों को शादी के वचन नहीं बनाते। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, वो हर्ट हो गई तो कुछ भी हो जाए अवनी को सच बताना ही होगा। कॉल करता हूं उसे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। अरे इतना गुस्सा, अवनी का फोन नहीं लगा तो अपना फोन ही उठा के फेंक दिया। अरे अभी तो गई है बेचारी। आपको कैसे पता कि मैं अवनी को कॉल कर रहा था? ओए शक्ल भी देखा हुआ तेरी। सबर कर सबर, बस कुछ दिनों की बात है यार, फिर 24 घंटे अवनी तेरे साथ रहेगी, तब तेरा दिल नहीं करेगा उससे बात करने का। रियली? मतलब शादी के बाद फीलिंग्स इतनी चेंज हो जाती है? यानी आप जो मुझसे इतनी सारी बातें करते हैं वो सब आपकी मजबूरी है? हाँ ना सोनियो, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब बस ये लोग आए थे मेरा प्रॉब्लम पूछने और खुद की बहस शुरू हो गई। आई टेल यू, शादी के बाद ये चीज बदल क्यों जाती है? भैया इससे काम नहीं चलेगा। जब आपको आभास भैया ने साफ साफ बता दिया था कि ऑर्चिड का फूल चाहिए, तो फिर ये फूल क्यों लेकर आए आप? ऑर्चिड बोलना था ना, चिड़चिड़ करते रहोगे तो कैसे समझेगा कोई। हाँ तो आपको पता है ना, हम आपको इस फूल से बिल्कुल सजाने नहीं देंगे। आप फूल को रखिए। ये सारे फूल बेकार हो जाएंगे, पैसे डबल लगेंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे लगेंगे? आपको उसी पैसे में करना होगा, समझ में आया ना? एक भी पैसा आपको नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? छोटी छोटी बात पे चिल्लाते हो, ऐसे काम होते है? जाओ दोनों। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? शादी को सफल बनाने के लिए हम इतनी रस्में निभाते हैं, पवित्र अग्नि के सामने वचन लेते हैं, वचन देते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सब कुछ इतनी श्रद्धा से करते हैं, फिर भी कभी कभी ये बंधन कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? लोग इतना बदल क्यों जाते हैं मम्मी जी? लोग नहीं बदलते, उनकी सोच बदल जाती है। जब अधिकार जोर पकड़ता है ना, तो प्यार अपने आप कमजोर हो जाता है। और जब हम उस प्यार को बचाने की कोशिश में, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो आपसी विश्वास टूट जाता है। सच कहूं भावना, मेरा तो मानना है कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान है, तो वो सिर्फ आप हैं। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। भावना, मैं और इस तरह खुट-खुट कर नहीं जी सकती। एक तरफ मेरे अतीत का डर और दूसरी तरफ सुखेत जी का मुझ पर ये विश्वास मेरे समीर को हिलाकर रख देता है। मेरी आत्मा धिक्कारती है मुझ पर। मुझे सुखेत जी को अपना सच, अपना राज बताना ही होगा। भावना, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अच्छा, मैं अब समझा। अवनी हमसे इतना दूर जा रही है, इसलिए आप इतना दुखी हैं। संभालिए अपने आप को, मेरा भी तो यही हाल है। एक बात पूछूं? हाँ जरूर पूछिए। अगर अगर आपको पता लगे जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। भावना बेटा, मेरे बेटे की इतनी परीक्षा मत लो। और वैसे भी वो गोपाल तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है नीचे। देखो बेटा, शादी से बढ़कर इस वक्त कोई और दूसरा काम नहीं, समझे? अरे हमारी अवनी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारी अवनी की खुशियों का सवाल है बेटा, समझ गई ना? लगता है ये तूफान अब थम जाएगा। आजकल तूफान का क्या भरोसा बाबूजी, तूफान थमेगा या बढ़ेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।